हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम फिर मिल रहे हैं। पिछली बार हमने किया था माइक्रो लेसन्स, उसका पैटर्न बताया था, और आज मैं आपको सिमुलेटेड लेसन डिस्कशन और ऑर्डिनरी लेसन्स का पैटर्न बताऊंगी। इनका सब सेम है, बस थोड़ा इनमें डिफरेंस है कि इनमें टाइम चेंज होगा। जैसे हम आगे चलेंगे तो हमारे आ जाएंगे। जैसे आपको ऑर्डिनरी लेसन्स में दिखाती हूँ, इसमें क्या है, जैसे हमने माइक्रो लेसन्स में तो अलग किया था ऊपर, क्योंकि नाम भी दिया था टीचर का। और यहाँ क्या आ जाएगा हमारे, कि रोल नंबर, डेट, क्लास कौन सी है, पीरियड कितने टाइम मिनट तक चलेगा, और टॉपिक। जैसे हमारा यहाँ पे सब सामने लिखा हुआ दिख रहा है आपको। फिर टीचर की जो भी, जैसे शिक्षक सहायक सामग्री लिखनी है, यानी कि सामान्य सहायक सामग्री क्या होती है, टीचर को किस चीज़ की जरूरत पड़ती है। जैसे श्याम पर चौक, झाटन, संकेतक, और हमारा विशिष्ट में क्या जाता है, जो हमारा टॉपिक होता है यानी उपविषय होता है, उससे संबंधित क्या हो जाता है, हमारा चार्ट हो जाता है, ठीक है। फिर इसमें हमें उद्देश्य लिखने होते हैं, अनुदेशनात्मक, जो कि चार्ट टाइप होते हैं इसमें, जैसे ज्ञानात्मक फर्स्ट, फिर सेकेंड हमारा बोधात्मक, प्रयोगात्मक और कौशलात्मक, ये लिखना होता है। फिर हमें पूर्ण ज्ञान परीक्षण करना होता है इसमें, यानी कि पीके टेस्टिंग करनी होती है, कि जो भी हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं, जैसे आज हमने कौन सा लिया है, वाक्य, वाक्य लिया है, तो हम वाक्य से रिलेटेड पहले क्या करें, उससे संबंधित बच्चों से क्वेश्चन पुट करेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने क्या पूछा है, पहले आप पढ़ने के लिए कहाँ जाते हैं, आप अपने विचारों के आदान प्रदान करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, वाक्यों में शब्द समूह कैसा होना चाहिए, चल नहीं सकता रोगी का क्या यह एक क्रमबद्ध वाक्य है, इससे रिलेटेड ऐसे ही क्वेश्चन हम आगे देखेंगे। जैसे फिर हम लास्ट में क्या पूछ लेते हैं, कि वाक्य की परिभाषा दीजिए, यानी कि बच्चे वाक्य की परिभाषा नहीं दे पाएंगे, तो हम उसकी परिभाषा देते हुए यहाँ पे जैसे अपने उपविषय की घोषणा कर देंगे, अपनी परिभाषा देते हुए, और बच्चों को कहेंगे कि आज हम क्या है, इस वाक्य के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। फिर आ जाता हमारा प्रस्तुतिकरण, यानी कि प्रस्तुतिकरण में क्या आ जाता है, कि छात्र अध्यापिका किस किस का, यानी कि जो हम खुद हैं, हम क्या कर रहे हैं, किस चीज़ का उपयोग करके पढ़ाएंगे बच्चों को, छात्र अध्यापिका प्रश्न, उदाहरण, व्याख्या कौशलों का प्रयोग करते हुए, ठीक है, इनका हम यूज करके पढ़ाएंगे। फिर हम नीचे देखो, इसमें आते हैं चार कॉलम बनाने होते हैं, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रियाएँ, छात्र क्रियाएँ, शाम पट कार्य। शिक्षण बिंदु में हम जो भी पहले हमें हेडिंग देनी होती है हम वो लिखते हैं। फिर इसमें हम छात्र अध्यापिका क्रियाएं में क्या करते हैं, कि अपने टॉपिक को डिफाइन करते हैं। फिर बच्चे उससे संबंधित क्या करते हैं, कि उससे सुन रहे हैं या लिख रहे हैं, जो भी पैटर्न बच्चे कर रहे हैं वो हम उसमें लिख देते हैं। फिर हम क्या, श्याम पट, यानी हम ब्लैक बोर्ड पर क्या राइट कराते हैं, फिर वो हम इस साइड में लिख देते हैं। ऐसे ही हमें आगे देखना है, जैसे कि हम क्या है, ये टोटल कितने पेजेस का होता है, 6 पेजेस का होता है, तो हमें क्या करना होता है, हाफ टॉपिक लिखने के बाद क्या करना पड़ता है, हमें हाफ टॉपिक के बाद आंशिक पुनरावृत्ति, यानी जो टॉपिक हमने जितना अदा करवा दिया उससे संबंधित हमें क्वेश्चन पूछने होते हैं बच्चों से। फिर टीचिंग एड यूज़ करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर क्या किया, चार्ट बनाया है, यानी वाक्यों के भेद, तो उसके मैंने चार्ट बना के बच्चों को दिखाया है कि कितने प्रकार के अर्थ के आधार पर होते हैं और रचना के आधार पर वाक्य होते हैं, तो इससे बच्चों को क्या है, पता चल जाता है कि क्या कितने प्रकार के हमारे वाक्य में टाइप हैं, ठीक है। फिर हम जितना आधा पढ़ा दिया और आंशिक पुनरावृत्ति कर ली, उसके बाद हम आगे का पढ़ाएंगे। फिर उसके बाद हमारा क्या आ जाता है, एंडिंग में निष्कर्ष, पुनरावृत्ति, जिसमें हम क्या है कि जितना पूरा टॉपिक पढ़ा दिया उससे रिलेटेड सारे इसमें क्वेश्चन पूछेंगे। फिर आ जाता है गृह कार्य, यानी हम बच्चों को क्या है, होमवर्क देते हैं। तो मुझे पूरी खुशी है इस बात की कि मैंने अपने बीएड एक्सपीरियंस को आप सबके साथ शेयर किया है, इसलिए प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।